आए, फिर पहुंच गए जीएमसी अमृतसर दोबारा से आज। आज तो मेन तीन ही काम है, हॉस्टल का एक पता कराना है, दूसरा तुम्हें कैंपस भी दिखाना था, तुमने सबने बोला था, और थर्डली थोड़ा सीनियर से किसी से बेड के लिए पता करा था, बेड वगैरह देखना है, फिर उसकी मतलब उसको अपने देखते हैं कहाँ रखना है कैसे करना है, क्योंकि हॉस्टल का अभी पता है नहीं, कुछ शुरू हुए नहीं है। एक बार चल के पहले सुपरिंटेंडेंट से बात कर लेते हैं कि भाई रखने देगा कि क्या कैसे है। बात कैंपस की मैं रियर कैमरा करके साथ साथ दिखाता रहता हूँ, तुम अपना देखते रहना, मैं साथ साथ बोलता रहूँगा अभी क्या क्या है क्या है। सो एक ये इस साइड तुम्हारा छोटा ग्राउंड है, ये वाला बड़ा ग्राउंड, ये लेफ्ट साइड ये प्रिंसिपल्स ऑफिस है। गेट से जस्ट एंट्री लेने के बाद ही इधर आगे आके लेफ्ट साइड प्रिंसिपल ऑफिस है। आगे ये तुम्हारा इस साइड ये बड़ा ग्राउंड है, और ग्राउंड के लगते ही सी ब्लॉक और गर्ल्स वाले हॉस्टल वाला ब्लॉक है। ओके, आगे चल के बाकी तुम्हें दिखाते रहता हूँ साथ के साथ। पहले एक बारी हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के पास जाके उससे पूछ लेना भी हॉस्टल का कैसे भी बुकिंग अभी हो जाएगी कि फिर अभी और लेट, या अगर बुकिंग नहीं होगी तो भाई बेड कहाँ रखाना है। तो एक बार पहले वो काम कर लेते हैं, फिर तुम्हें बाकी का दिखाते हैं। तो ये हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस से फिर जाके आए, कहते हॉस्टल्स का भी कुछ पता नहीं है, खाली करा रहे हैं, वही मतलब डबल ऑक्यूपेंसी मिलेंगे, बाकी देखो अभी क्या कहते भी, कहते कोई आइडिया नहीं है, कहते भी कौन से ब्लॉक में मिलेंगे क्या मिलेंगे, कहते भी करा रहे हैं खाली। चलो फिर रही बात उसकी, मैंने उससे पूछा कि सर मतलब बेड कहाँ रखाना है, यहाँ से घर तो वापस लेके जाएंगे नहीं, तो कहते डी ब्लॉक में जाके उनसे बोल दो कि थोड़े टाइम के लिए रखाना है, फिर देखो अभी डी ब्लॉक जा रहे हैं, वह डी ब्लॉक से खाली हो जाए फिर आगे देखते हैं। A few moments later, बेड का तो इशू सॉल्व हो गया, कहते तुम बेड ले आओ, तुम यहीं पे आके रखा लेंगे। बाकी रही बात इसके कैंपस के टूर की, तो कैंपस में पागलों की तरह बोलता तो फिरूंगा नहीं अभी, मतलब मैं जो इम्पोर्टेंट लगेगा बताने वाला जितना मुझे पता है मैं बता दूंगा, बाकी तुम अपना देखते चलो। तो अब रियर कैमरा कर रहा हूँ। ओ फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे ये पोर्ट्रेट वगैरह की दुकान है, यहाँ पर तुम्हें सारा स्टेशनरी वगैरह का सामान मिलेगा। बाकी ये आई थिंक यहाँ पे जिम बन रहा है, मतलब स्पोर्ट्स सेंटर टाइप, ये स्पोर्ट्स सेंटर टाइप कुछ बन रहा है यहाँ पे। स्पोर्ट्स सेंटर और इधर और सामने ऑडिटोरियम और ये रही लाइब्रेरी। ये रही लाइब्रेरी, इधर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, मतलब देख लो यहीं पे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करने वाले हो आगे तुम, क्या मैं भी यहीं पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। एरी लाइब्रेरी, तो सी ए और बी ब्लॉक ग्राउंड के साइड साइड में है। ये वाला सी ब्लॉक है, बॉयज़ का ही है, और फिर वालों को जनरली पहले यही मिलता है मेरे ख्याल से, शायद हमें भी यही मिल जाए। आगे ए और बी ब्लॉक जो गर्ल्स का है वो ये रहा, वो सामने उस साइड मैस है, एक मैस बैक साइड भी है, ये रहा सी ब्लॉक तुम्हारा, अरे बाकी दो जो गर्ल्स वाले हॉस्टल्स हैं आगे सामने वेयर का बूथ भी है, वहीं चलते हैं अभी आगे कि ये देख लो उस साइड से एंट्री है, और यहाँ पे तुम्हारे बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं। पहले चल के वेयर का बूथ कुछ खा पी लेते हैं, तो बाकी दिखाने वाला जितना मुझे पता और कुछ है नहीं, बाकी जो दो तीन बातें बतानी है वो बताता हूँ। पहले बैठ जाए वहाँ पे आके जाके,
और मतलब स्पोर्ट्स वगैरह वाला देखना है, बास्केटबॉल कोर्ट ये रहा, वहाँ पे वॉलीबॉल है, क्रिकेट के पिच यहाँ पे बनी हुई है, ये आई थिंक फुटबॉल के लिए पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। बाकी दो ग्राउंड्स हैं, एक ये बड़ा ग्राउंड है जिसमें घूम रहे हैं, एक साथ में वो क्रॉस करके एक छोटा ग्राउंड भी है जिसमें कोई नॉर्मली दिखता नहीं है, सारी जनता तो यहीं बैठी दिखेगी, जितने सीनियर्स हो तुम और हम भी जब आएंगे यहीं पर बैठेंगे हम सारी। ये रहा सामने वेयर का बुक, पहले चल के कुछ खा लेते हैं, फिर गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी कुछ पूछा है मैंने, वो बताता हूँ तुम्हें। सो सॉरी यार, ब्लॉग वहाँ पे आगे कंटिन्यू करने का टाइम